हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जिस प्रकार से लाइट में दो प्रकार का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव नेचर की बात करें तो आपने बहुत सारी लाइट की ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जो वेव को इंडिकेट, जो उसके वेव होने को इंडिकेट करता है, लाइक डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेव जो लाइट में पाई जाती है। पार्टिकल की बात करें तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी इसी चैप्टर में पीछे, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बेसिकली लाइट के पार्टिकल होने को प्रूव करता है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी बातें पढ़ी हैं वो सब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल होने को इंडिकेट करता है, चाहे वो रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, चाहे वो बोर मॉडल की बात करें। यहाँ तक पढ़ते हुए हमने अभी तक केवल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह मूव करता है, जिसकी एनर्जी है, जिसकी वेलोसिटी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी, जिसका टाइम पीरियड हमने निकाला था, राइट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में, विच वॉज एक्चुअली प्रपोज्ड बाई डी ब्रॉगली एंड फर्दर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया था इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इससे पहले कि मैं डी ब्रॉगली मॉडल के बारे में बात करूँ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास एनर्जी मोमेंटम इक्वलेंस रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या होता है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम स्क्वायर सी पावर फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज द रिलेशनशिप विच एक्चुअली कनेक्ट्स एनर्जी मोमेंटम एंड मास ऑफ अ पार्टिकल, जिसमें m तो आप जानते हो c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, p मोमेंटम है, जिसे मास इनटू वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द एनर्जी। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसकी डिटेल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको यूज़ करके हम लोग थोड़ा सा फोटॉन के बारे में समझना चाहते हैं या मास के बारे में समझना चाहते हैं, मास एनर्जी इक्वलेंस रिलेशनशिप के बारे में समझना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इस फार्मूला में P की वैल्यू ज़ीरो रख दूँ, यानी कोई स्टेशनरी पार्टिकल है जिसके अंदर मोमेंट नहीं है, तो मोमेंटम ज़ीरो कर दिया, अगर P का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो यू कैन चेक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम स्क्वायर सी पावर फोर। एंड ये फार्मूला इट्स अ वेल नोन फार्मूला, आपको पता है आइंस्टीन्स रिलेशनशिप ऑफ मास एनर्जी इक्विलेंस। और आज आप ये भी जान लो कि दिस फार्मूला इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर अ स्टेशनरी पार्टिकल, जहाँ पे मूवमेंट उसका नहीं है, दिस इज़ वैलिड फॉर स्टेशनरी पार्टिकल। तो अगर m मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट, कि m मास का कोई पार्टिकल है तो उसके इक्विवेलेंस एनर्जी कितनी एसोसिएटेड है उस पार्टिकल से, राइट। तो e इक्वल एम सी स्क्वायर से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अगर मैं यही फार्मूला फोटोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूँ, जिसके लिए रेस्ट मास एक्सपेरिमेंटली ज़ीरो होता है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर फोटॉन्स m इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर m की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो e की वैल्यू हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज p इंटू सी। और आपको पता है कि लाइट को यदि हम वेव की तरह एज्यूम करें, वेव मान के चलें, तो इसका एनर्जी क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा निकल सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। तो इस तरह से h डिवाइड h, तो आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एंड p इज़ द मोमेंटम, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो अगर मैं फोटोन की वेवलेंथ को लैम्डा मान लूँ तो उसका मोमेंटम इस तरह से निकाल सकते हैं p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, या लैम्डा निकालना है, मोमेंटम पता है तो h अपॉन p लिख सकते हैं, राइट। अब इस फार्मूला को जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मोमेंटम का जो डेफिनेशन है, लाइक पी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया एच अपॉन लैम्डा, मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है इट इज़ गोइंग टू बी मास इनटू वेलोसिटी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मास ज़ीरो है तो उस हिसाब से मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है, ये जो हम लोग मोमेंटम पी इज इक्वल एम इनटू वी लगाते हैं, दिस इज़ एप्लीकेबल इन क्लासिकल फिजिक्स, इन क्लासिकल फिजिक्स यानी जो हम डेली लाइफ में पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो सब क्लासिकल फिजिक्स गवर्न करता है, और उसके हिसाब से पी इज इक्वल टू एम इंटू वी आना चाहिए। और अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी थियोरी लगाएं तो जो पी होता है एम इंटू वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज़ द मोमेंटम गिवन फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी थियोरी।
स्पेशल रिलेटिविटी थियरी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई होता है। द स्पेशल रिलेटिविटी थियरी वॉज गिवन बाई आइंस्टीन, जो मच फेमस थियरी, एवरीबडी नो अबाउट इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं फोटोन के लिए बात करूँ तो फोटोन का मास जीरो होगा एंड फोटोन का वेलोसिटी भी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं एम की वैल्यू जीरो लिखूँ और वी की वैल्यू सी के बराबर लिख दूँ तो दिस बिकम्स इनडिटर्मिनेंट, यानी कि आप यहां से फोटोन का मोमेंटम नहीं निकाल सकते। फोटोन का मास भी जीरो है, फोटोन का रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, जब वो रेस्ट पे है फोटोन का रेस्ट मास जीरो है एंड फोटोन की वेलोसिटी सी के बराबर है। दैट मींस अगर मैं इस एम को ऐसे लिख दूं, लेट्स से एम डैश इनटू बी, वेयर एम डैश इज गोइंग टू बी डायनामिक मास, डायनामिक मास, तो हमें एक रिलेशनशिप यहाँ से निकल के आएगा। और वो रिलेशनशिप क्या होगा, डायनामिक मास एम इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया रेस्ट मास एंड ये हो गया डायनामिक मास, ठीक है। तो जो डायनामिक मास होता है किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल का, वो रेस्ट मास से थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस वॉज द थॉट प्रोसेस एट द टाइम व्हेन रिलेटिविटी थियरी वॉज गिवन। बट रिमेंबर, ये फार्मूला मैं फोटोन के लिए नहीं लगा सकता। आपने देखा कि फोटोन के लिए ये 0/0 हो जाएगा, जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। दैट मीन्स दिस फार्मूला इज नॉट गोइंग टू बी अप्लीकेबल फॉर फोटॉन्स। तो फोटॉन्स का डायनामिक मास इस तरह से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। प्राइमरीली दिस फार्मूला इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच आर एक्चुअली मूविंग विद अ स्पीड विच इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, इन सब के लिए हम ये सब लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फोटॉन के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो फोटॉन की जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, एक तो रेस्ट मास जीरो, एक इसका जो वेलोसिटी है वो सी के बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक इसका वेवलेंथ है एच अपॉन पी लिख सकते हैं, एंड इसकी एनर्जी इज इक्वल एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखिए। बट रिमेंबर दिस इज अप्लाइड ओनली फॉर फोटोन, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए ये सब चीज़ें अप्लाइड नहीं हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए वेव नेचर अप्लाई करना चाहते हो एज पर डी ब्रॉगली सजेशन, तो आप इसका एनालॉजी यूज़ कर सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, राइट। तो लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो पी की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी रहेगा, एंड दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट। कमिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से लाइट में एक ड्यूअल कैरेक्टर होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन एटम में एक प्रकार का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, यानी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह वो बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफाई करके उन्होंने बताया, एनालॉगस टू लाइट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन एन एटम कैन हैव सम वेव कैरेक्टर, वेव नेचर, एंड लैम्डा यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो लैम्डा इज गिवन एज एच अपॉन पी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, राइट। इस लैम्डा को कॉमनली कहा जाता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। हालांकि उनका खुद का वेवलेंथ नहीं था ये तो जिस पार्टिकल के लिए आप बात कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है, एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी दोनों लिख सकते हैं। दिस वेव नेचर वॉज एक्चुअली लेटर प्रूव्ड बाई डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन वेव बाई डेविसन एंड जर्मर। तो डेविसन एंड जर्मर ने बाद में इलेक्ट्रॉन के बीम पे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि उसके अंदर वेव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन बेसिकली वेव का ही प्रॉपर्टी होता है। जैसे लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन में भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल कैरेक्टर है। पार्टिकल नेचर कैसे है, वी हैव डन अ लॉट रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल में। वेव कैरेक्टर की तरह अगर है तो उसका वेवलेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर। मैं एक्चुअली एम इंटू वी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इसको मैं टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एम इंटू वी स्क्वायर या टू एम काइनेटिक एनर्जी, टू एम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां से एम इंटू वी आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है। अब अगर ये वैल्यू उठा करके मैं उसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिलेगा एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे दी हुई हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करके यू कैन कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, राइट। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में कि उसमें दिया होता है कि इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम कोई वी वोल्टेज देके उसको रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V from rest, तो rest से यदि accelerate करके potential difference V पे जाते हैं तो can we write kinetic energy is equal to E into V। अब ये kinetic energy का जो formula आया है वो हम इसमें रख देंगे, lambda is equal to H upon square root 2m into E into V, this can be another formula for calculation of lambda if voltage is given। remember यहाँ पे ये वोल्टेज है, इसको ऐसा करते हैं v डैश मान लेते हैं वरना वेलोसिटी से कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, फॉर एनी अदर पार्टिकल, किसी और पार्टिकल के लिए मुझे निकालना हो सिंपली तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम डैश इंटू क्यू डैश इंटू वी डैश, यहाँ पे एम डैश हो जाएगा मास ऑफ दैट पार्टिकल, क्यू डैश हो जाएगा चार्ज ऑन पार्टिकल एंड वी डैश विल रिमेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन का मास डिफर करेगा, चार्ज तो वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन प्रोटॉन का मास डिफर करेगा तो अकॉर्डिंगली लैम्डा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की बात करूँ तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास भी डिफरेंट होगा, चार्ज भी डिफरेंट होगा, इनफैक्ट अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का ट्वाइस होगा एंड मास चार गुना होगा प्रोटॉन का, तो अकॉर्डिंगली लैम्डा की वैल्यू विल चेंज, क्लियर। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली फार्मूला निकालूं लैम्डा निकालने का, बिकॉज मोस्ट ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे वोल्टेज को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हैं, तो अगर मैं इन इक्वेशन थ्री बस सिंपली एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड हो गया, एम का वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10^-31 के जी हो गया, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम हो गया, यदि ये सारी वैल्यू लिख दोगे तो लैम्डा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट, इनफैक्ट ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये आता है आपका स्क्वायर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों फार्मूला भी आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर सकते हो एंड रिमेंबर दिस इज़ ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, और किसी पार्टिकल के लिए डायरेक्ट फार्मूला मत रखना क्योंकि आप देख सकते हैं मास और चार्ज हमने दोनों केवल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया है, तो अगर प्रोटॉन के लिए निकालना हो तो मास चेंज हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, अगर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए निकालना है तो मास और चार्ज दोनों चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो अगर इसको मैं बोर्स मॉडल की बोर्स रेडियस से कनेक्ट करूं तो बोर मॉडल के अंदर तो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस तय करता है एक रिवॉल्यूशन में, अगर मैं इसको वेव मानूं तो इसका पाथ कैसा होगा, ये तो हुआ एज अ पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ होता है, एज अ वेव अगर आप मान लोगे तो इसका पाथ कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन कंप्लीट वेव बनाई हुई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वन वेव हुआ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेकेंड वेव हुआ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थर्ड वेव, यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आना चाहिए ना। इसके अंदर आप देख रहे हो जो टोटल इफेक्टिव डिस्टेंस कोई वेव ट्रैवल करेगा वो तो 2πr ही रहेगा, तो अगर मैं मान लूँ कि लेट नंबर ऑफ वेव्स
मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट इज इक्वल टू एन डैश, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, लैम्डा इंटू एन डैश, बिकॉज लैम्डा इज द डिस्टेंस फॉर वन वेव एंड एन डैश इज नंबर ऑफ वेव्स, और ये डिस्टेंस टोटल सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी, यहाँ से चलोगे और इफेक्टिवली यहीं तक आओगे तो टोटल डिस्टेंस एज अ पार्टिकल कितना कवर किया, 2πr, तो कैन वी राइट 2πr इज इक्वल टू एन डैश इंटू लैम्डा, क्लियर। अब यहाँ से मुझे एन डैश मिल जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है 2πr, लैम्डा कैन बी रिटन एज एच अपॉन एम वी, अभी हम लोगों ने सीखा है कि लैम्डा कैन बी रिटन एज एच अपॉन एम वी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2π अपॉन h इंटू एम वी आर। अगर आपको याद हो कि एम वी आर जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का एक प्रिंसिपल था बोर्स मॉडल में, वो था 2π एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, इफ यू कैन रिकॉल बोर्स मॉडल के हिसाब से एम वी आर कैन बी रिटन एज एन एच अपॉन 2π, एन इंटू एच अपॉन 2π, वो वैल्यू मैंने उठा के यहाँ डाल दी, 2π कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया और ये मेरा आ गया n, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n ऑर्बिट नंबर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, सेकंड में दो बनेगा, थर्ड में तीन बनेगा, फोर्थ में चार बनेगा, फिफ्थ में पांच बनेगा, एंड सो ऑन, यानी नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू n, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि किसी ऑर्बिट में उतनी ही वेव्स बनती हैं अगर मैं वेव नेचर को कंसिडर करूँ जितना उसका ऑर्बिट नंबर होता है, क्लियर। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, डस्ट पार्टिकल है, लैम्डा निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, 6.62 × 10⁻³⁴, डस्ट पार्टिकल का मास 5 × 10⁻³ kg हो गया एंड वेलोसिटी 200 हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 6.62 × 10⁻³⁴ meter। कैन यू अंडरस्टैंड दिस सच अ स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या डिनोट करता है, दिस एक्सट्रीमली स्मॉल, 10⁻³⁵ meter का जो वेवलेंथ है इट इज़ टू स्मॉल, डस्ट पार्टिकल के लिए हमने वेव नेचर निकालने की कोशिश की थी, दिस एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू इंडिकेट्स दैट डस्ट पार्टिकल और एनी पार्टिकल जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए वेव नेचर का कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। तो सिंस दिस वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, हेंस वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मासेस इज मीनिंगलेस, राइट। अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा तो इनके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है दिस इज गोइंग टू बी 4 times मास ऑफ प्रोटॉन, जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है दिस इज गोइंग टू बी 2x ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अब आपको निकालना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का लैम्डा का रेशियो, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट मास ऑफ प्रोटॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू वी इंटू स्क्वायर रूट
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी अपॉन एच, एच कैंसिल हो गया, वी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है मास ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट। दिस कैन बी रिटन एज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू बी फोर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई एम पी इंटू ई, ई कैंसिल एम पी कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी टू रूट टू, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेशियो, सिंपल फार्मूला लगाया और उसमें सब्सटीट्यूट करके रेशियो ले लिया, आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम सैंपल इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अ फोटोन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is used to excite the hydrogen sample, find the de Broglie's wavelength, यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, निकलने के बाद जब बाहर आया तो उसका जब वेव नेचर ऑब्जर्व करें तो उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे निकालना चाहिए उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालेंगे, देखो सेकेंड ऑर्बिट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी इक्वल टू में एनर्जी कितना होता है, -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। हमने दिया है यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए आपको इतना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो और हमने दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से निकल जाएगा, तो जो बचेगी एनर्जी उसके पास दैट विल बी टेकन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 - 3.4 दैट इज 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। एंड किसी इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी यदि 4.6 वोल्ट हो तो उसका ऐसे मान सकते हैं कि उसको रेस्ट से हमने 4.6 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, इफ 4.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसको हमने रेस्ट से 4.6 वोल्ट दे करके एक्सेलरेट किया है, तो वोल्टेज अब इतना हो गया। अब आप फार्मूला लगा दो, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वी 4.6, दिस कम्स आउट टू बी 5.7 एंगस्ट्रॉम, ईजी, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी था, हालांकि ये ज़्यादा आसान है, बट एक ऑल्टरनेट मेथड भी था कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, इसको आप हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर दो, वेलोसिटी आ जाएगा, एंड देन लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी लगा दो, मास पता है, वेलोसिटी में निकाल के दे दिया, वहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा, राइट। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वैसे तो देखने में बहुत सिंपल है, करो आप, आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं भी करता हूँ। देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया, इसका मतलब कितना एनर्जी में गेन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर 4 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एक्स्ट्रा दिया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। काइनेटिक एनर्जी अब आ गया, अब बहुत सिंपल है, लैम्डा का फार्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट 150 अपॉन 10, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, इसका मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 यहाँ रख दिया, स्क्वायर रूट 15, दैट इज 3.87 एंगस्ट्रॉम, राइट। अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम, then gets retarded through 19 volt, retarded, just remember, retarded, 19 volt से retard किया, wavelength becomes lambda 2, and it is further retarded through 32 volt, यानी इसको दोबारा आगे से फिर से 32 volt से नीचे कर दिया इसका voltage, and its wavelength becomes lambda 3, and calculate the value of lambda 3 minus lambda 2 upon lambda 1, चार options दिए हुए हैं, easy to answer, so let's check, initially 100 volt से accelerate किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, या सिंपली हम डायरेक्ट फार्मूला क्यों ना लगा दें, लैम्डा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई 12.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वी, दैट इज 100. तो ये हो गया 12.3 डिवाइडेड बाय 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख लेते हैं, राइट. अगर 100 वोल्ट के वोल्टेज से एक्सेलरेट किया तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसको 19 वोल्ट से डिसेलरेट कर दिया, रिटार्ड कर दिया, तो नया एनर्जी कितना बचा, 100 माइनस 19 यानी 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आफ्टर रिटार्डेशन, आफ्टर फर्स्ट रिटार्डेशन, फर्स्ट रिटार्डेशन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 100 माइनस 19, दैट इज 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे वोल्टेज ले सकता हूँ 81 वोल्ट, तो लैम्डा 2 का वैल्यू आ जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 81, दैट इज 12.3 अपॉन 9 एंगस्ट्रॉम. क्लियर. अब इसमें आगे बोला है कि फर्दर 19 वोल्ट से और 32 वोल्ट से सॉरी फर्दर 32 वोल्ट से और रिटार्ड कर दिया. तो आफ्टर सेकेंड रिटार्डेशन, आफ्टर सेकेंड रिटार्डेशन काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी 81 थी फर्स्ट के बाद, और इसमें से 32 का और नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, माइनस 32 इज गोइंग टू बी 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ वोल्टेज कितना बचेगा, 49 वोल्ट, राइट. तो लैम्डा 3 मैं कितना लिख सकता हूँ, एच अपॉन या 12.3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 49, दैट इज 12.3 डिवाइडेड बाई 7 एंगस्ट्रॉम. तो हमने लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 3 तीनों बता दिया. अब आपको ये वैल्यू निकालनी है. तो लैम्डा 3 अपॉन माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाई, लैम्डा 3 की वैल्यू लिखनी है पहले, 7 माइनस 12.3 डिवाइडेड बाई हाउ मच, लैम्डा 2 की वैल्यू 9 अपॉन 12.3 डिवाइडेड बाई 10, दिस कम्स आउट टू बी 20/63, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, वॉज एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा इसमें ट्रिकी था, दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था. क्लियर. दिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे हमने वेव नेचर के बारे में पढ़ा है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के बारे में पढ़ा है, और डायनामिक और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन सीखा है. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसका यूज़ आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में होता है. इस कंसेप्ट का यूज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में होता है, जहाँ पे वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसिडर करी जाती है टू गेट अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, राइट. तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ. होप यू हैव एंजॉयड. इस सेगमेंट की प्रॉब्लम्स को एक बार दोबारा आप लोग प्रैक्टिस करना. अगले लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.